हेलो स्टूडेंट्स, सभी को नमस्ते। आज मैं मेरे इस वीडियो में जो टॉपिक की बात करूंगा वो टॉपिक बीएससी बैंक के लिए का टॉपिक है और एक पत्री तने एवं दूसरी पत्री तने के मध्य में अंतर की बात करेंगे। इससे पहले लास्ट वाले वीडियो में आपने जो पढ़ा उस पत्री की पत्री तना किस किरदार का होता है, अभी बात करेंगे कि एक पत्री और दूसरी पत्री तने में अंतर क्या है। ये अंतर कुछ लक्षणों के आधार पर है। जैसे कि पहला लक्षण है एवं मज्जा में विभेदित होते हैं। हाइपोडर्मिस में ग्रे कॉर्टेक्स में हाइपोडर्मिस बोलते हैं अंतस्त्वचा को, मिडिल कॉर्टेक्स अंतस्त्वचा है एंडोडर्मिस, मज्जा फिर। अब हम लोग बात करेंगे सामान्य रोग के बारे में। सामान्य रोग की व्यवस्था, सामान्य रोग की व्यवस्था के आधार पर ये किस प्रकार के होते हैं वो बात करेंगे। सामान्य रोग की व्यवस्था एक ही तने में विक्रिय हुए पाए जाते हैं। इसमें विक्रिय हुए पाए जाते हैं जबकि आपके द्विबीजपत्री तने में लगभग सभी कैसे होते हैं, लगभग सभी समान आकार के, लगभग सभी समान आकार के होते हैं। तीसरा बात करें इसमें उलाचल की, उलाचल यानी वैस्कुलर बंडल या बंडल स्कीट, ये एक ही पत्री में उपस्थित होते हैं। और कैसे होते हैं? दृढ़ लटकी होते हैं, उपस्थित होते हैं एवं दृढ़ लटकी होते हैं। और इनमें अधिकांश कैसे होते हैं? अधिकांश अनुपस्थित होते हैं। बात करें फ्लोएम की, कोशिका फ्लोएम एक ही पत्री तने में मात्र चालीस नली का एवं सहचर कोशिका, चालीस नली का एवं सहचर कोशिका होती है जबकि एक ही पत्री तने में सभी कोष बना तब सभी कोषवाचार। पहले बात करेंगे हम इन पॉइंट्स की, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है वो है एक बीज पत्री एवं द्विबीज पत्री तने में अंतर क्या है। तो सबसे पहली बात करें एक बीज पत्री तने में भरण ऊतकों के बारे में। तो प्राय भरण ऊतक कैसे होते हैं? इसमें एक विभेदित होते हैं, यानी कि विभेदन होना नहीं होता है।
दूसरे कक्षा की समय की व्यवस्था वैश्विक कंट्रोल का अरेंजमेंट किस सरकार का होता है, इस हिसाब से एक बीज पत्री में तो कैसे होते हैं वैश्विक मंडल बिखरे हुए पाए जाते हैं, जबकि द्वि बीज पत्री में लगभग सभी समान आकार के होते हैं और बलयकार होते हैं, एक बलय में उपस्थित होते हैं। बात करें मंडल सीड की उलाचक की, तो एक बीज पत्री में उलाचक उपस्थित होते हैं और दृढ़ द्वितीय प्रकार के होते हैं, इसके कारण शिशु प्रकार के होते हैं। जबकि बात करें द्विबीज पत्री तने में, तो द्विबीज पत्री तने में उलाचक अधिकांश में अनुपस्थित होते हैं, कोई एक अपवास रूप जैसे कि मरुस्थली है, मरुस्थली पादप है उनमें उलाचक उपस्थित हो सकता है क्रेंच सारे की सीप और साइकिल के लिए, बाकी मोस्टली में क्या होते हैं ये अनुपस्थित होते हैं। बात करें फ्लोएम के बारे में, तो फ्लोएम में एक बीज पत्री तने में मात्र 40 नलिकाएं और सेंट्रल कोशिका उपस्थित होती है, जबकि द्वि बीज पत्री तने में कुल सभी कोशवाह तत्व, सभी कोशवाह तत्व जैसे कि 40 नलिका पंपेरियन सेल फ्लोएम पेरेंकाइमा फ्लोएम एलिमेंट्स वो सभी इसमें उपस्थित होते हैं। ये इसमें क्या हो गए स्टूडेंट्स मुख्य अंतर हो गए। अब हम कुछ आगे और भी लक्षण हैं उनके बारे में बात करेंगे। अगला जो लक्षण है वो है आपका कोशवाह मृदुता फ्लोएम पेरेंकाइमा। एक बीज पत्री तने में फ्लोएम पेरेंकाइमा अनुपस्थित होता है, फ्लोएम पेरेंकाइमा अनुपस्थित होता है, जबकि द्वि बीज पत्री तने में ये उपस्थित होते ऑन फ्लोएम पेरेंकाइमा फ्लोएम मृदुका। बात करें आगे की मज्जाखंडों की, तो एक बीज पत्री तने में मज्जाखंडे क्या होती है अनुपस्थित होती है या सुस्पष्ट नहीं होती है, सुस्पष्ट नहीं होती है, जबकि द्वि बीज तने में मज्जाखंड कैसी होती है सुस्पष्ट होती है, मज्जाखंड सुस्पष्ट होती है। स्टूडेंट्स इससे आगे बात करें मज्जा की, तो एक बीज पत्री तने में मज्जा क्या होगी फिर क्या होगी अनुपस्थित होगी। एक बीज पत्री जो पादप है पेड़ है उनमें मज्जा क्या होगी उपस्थित होगी, जबकि द्वि बीज पत्री पादप में मज्जा क्या होगी उपस्थित होगी उपस्थित। बात आगे की करें द्वितीय वृद्धि, एक बीज पत्री पादपों में द्वितीय वृद्धि एक बीज पत्री तने में द्वितीय वृद्धि नहीं होती है, इसमें द्वितीय वृद्धि नहीं होती है, द्वितीय वृद्धि नहीं होती है, जबकि आपके द्वि बीज तने में द्वितीय वृद्धि होती है, इसमें द्वितीय वृद्धि होती है इसमें द्वितीय वृद्धि नहीं होती। बात करें और भी आगे की इनके उदाहरण होती है, तने का बेस्ट उदाहरण है सूरजमुखी, तो एक बीजपत्र तने में जैसे कि मक्का है ज्वार है बाजरा है ये सभी किसमें आते हैं एक बीजपत्र तने में, जबकि चना है मटर है सूरजमुखी है ये सभी सरसों है ये सभी किसमें आते हैं द्वि बीजपत्र तने में आते हैं।
स्वयं आशा करता हूँ आपको एक पुस्तक भी बना एवं द्विपुस्तक पत्री बने के अंतर समझ आए हैं। अब हम जो इससे आगे बात करेंगे वो नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे